जी दोस्त अनुगम बागुलस, जिस तरह आपको पता है सुनील शर्मा ने कहा था कि जो पहले ऑफिस पहुंचेगा वो विनर है। जो जो चैलेंज करना है। हाँ जी, अभी इधर से आऊंगा, तुम उधर से आओ, तुम्हें पहले पहुंचना चाहिए, मैं तुमसे पहले पहुंचूंगा। तब हम इस वक्त सुनील शर्मा को कॉल कर रहे हैं और देखते हैं कि अभी कहां तक पहुंचे और ये पहुंचेंगे अभी तक ऑफिस। मैं पहले ऑफिस आ भी गया हूं। जी बदन, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कि मैं ऑफिस पहुंच गया हूं आपकी तरह, आप आए नहीं। चले फिर मैं आ रहा हूं आपके पास। चैलेंज है ना आपका, हमें चैलेंज दिया बंदे ने चैलेंज कबूल किया है और उसका मुझे फोन आया कि मैं पहुंचने वाला हूं। कहीं ये तो वो बंदा नहीं है? नहीं, पानी की सूरत हाल ये है कि इंसान सड़क और पेमेंट के दरमियान डिफरेंस ही बता सकता। सुबह अभी ये नज़र आना शुरू हुआ है थोड़ा, लेकिन मेरा नहीं ख्याल सलमान साहब जो है बर्गर जीत पाएंगे। अभी देखते हैं क्या बना है उनका बर्गर के प्लान का। और मुझे लग रहा है ये लड़का जो है ना मैच के लिए बहुत भूखा था, ये पहुंच गया है। वही है, हेलमेट में होना तो अपने बॉय चाहिए। यार तुम्हें बहुत भूख लगती है लगता है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ओए होए होए होए, ये तो होंडा का इश्तेहार बन गया। चेक करें, आई है ना मेरे भाई। भाई कैसे आएगी? नहीं आ गया मैं। अच्छा चलो आ जाओ आ जाओ, अब लोगों को रेस्क्यू करते हैं, तैयारी करते हैं। लेयर्स ये देखो, लेयर्स लेयर्स ये भाई, हम पहुंच गए अपनी शहजादी पे। ओके जी ओके जी। सुनील साहब फिर चैलेंज हो गया मेरा एक्सेप्ट? चैलेंज आपका एक्सेप्ट है, आपको खिला के लाए। हाय 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 हाय, वो देखें दे, लहरें आ रही हैं। तो भाई लहरें देते हुए हमारी वीडियो पता नहीं क्यों बना रहे हैं यार। ये टकोमा पे हम जा रहे हैं आज मेरे ख्याल से। आपने अगर सही सीन दिखाना है ना तो पीछे पिटड़े ना जरा, मेहनत करें, बर्गर खाना है थोड़ा सा। बर्गर लाल करना पड़ेगा, पेट्रोल इतने अगर ये बंद हो गई ना रस्ते में धक्के लगाने पड़ते हैं तो जलालत वन ओ वन हो जानी है। चलो देखते हैं, धक्का लगवाते हैं सुनील साहब हमसे कि नहीं। सर बदन ने शीशा नीचे करना है आपने, ताकि आपको मेरी आवाज को बुखार आती रहे। देखें बाहर शीशे से बाहर निकले, जागते रहना, मेरे पे नहीं रहना और ध्यान से रहना। ओके आने दे, नहीं जाने दे, वो देखें बच्चा है, ध्यान से ध्यान से ध्यान से ध्यान से, बच्चे साइड पे दो, साइड पे दो, शाबाश। ओए साइड पे दो, ये कहती ये अंडरपास का सर दिखाना सीन, पहले पेट्रोल डलवा ले। ओके अगर तू चाहता है कि हमारा सीन आ जाए फिर चलता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि आज एडवेंचर हो दे। व्हाट बारिश? कौन सी बारिश? पानी है ही नहीं। क्या हुआ है? कौन सी बारिश? कोई पानी नहीं है, ये देखो बदन यहाँ पे पानी नहीं है ना। मैं ये तो कह रहा हूँ दफ्तर पे कोई पानी नहीं है। दफ्तर में पानी नहीं है, मैं पहुंच गया था आपसे पहले। मैं ये कह रहा हूँ काम करना हो तो 6 तरीके हैं हमारे घर, जितने काम करने वाले हैं बेचारे सारे पैदल वॉक करके आए हैं। जी बदन क्या कह रहे हैं? कलमा चौक से आए थे और क्या है इतना पानी है ना अंडरपास के अंदर। आप करने के आए थे कलमा चौक से? चाचू के साथ आए थे काम पे, चाचू के। बहुत ज्यादा पानी, गाड़ियां वगैरह बंद है वहाँ पे, बहुत बंद है। हम बड़ी मुश्किल से निकल के आए हैं, इधर आए हैं और सिलेंसर के अंदर पानी गए हैं। तीन तीन गाड़ियां जो है ना उधर खड़ी है पानी के अंदर। आप किस चीज पे आए हो? हम बाइक पे आए, गाड़ी पे आए थे, गाड़ी बंद हो गई, अब बाइक पे आए हैं। कौन सी बाइक थी? गाड़ी कौन सी थी जो बंद हुई? गाड़ी रावी थी, रावी जो सुजुकी की होती है, कैरी वैन। बंद हो गया? अब उन्हें कैसे स्टार्ट? वो खड़ा करके आए उधर, बाइक पे आए, उसके अंदर बाइक थी। अब कहाँ पे हो? यहाँ पे क्या कर रहे हो? अब बस फ्यूल मुक गया। अच्छा फ्यूल लेने आए हो? हाँ जी। चलो गुड, शाबाश, थैंक यू बेटा। रिफ्यूल हो गया, अपने टायर चेक करा लें, हवा काफी अरसे से गाड़ी खड़ी है और फिर चलते हैं, देखते हैं मिशन। अच्छा ये पहले गाड़ी का बताया ना लोगों को, ये गाड़ी याद हो कर याद हो, टकोमा पेशावर से लाए थे, जो हम पेशावर से खरीद के लाए थे। जितनी हवा डालते ये बताओ 30 या कितने होती है? बेटा लिखा होगा इधर आओ, शाबाश तालीम करो। ये क्या लिखा हुआ है? 29 PSI। किधर लिखा है 29 PSI? ये साइज के लिए लिखा है। अभी गाड़ी में रिम देखो, साइड देखो ना, टायर क्या डला हुआ है? R16। अभी 16 डला हुआ है, देखो जाके पूरी तालीम करो यार। जी 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 जी, R16। आप 32 कर रहे हैं मेरे जान, मैं आपको बता रहा हूँ। 17 है, आप 32 करें। ओके जी 32, इसको प्लस दबाएं, चलें ले ली, करें मेहनत, करें आ जाए। मेहनत हो रही है, ये वहाँ पे देखते हैं।
काम जवान की मौत तो नहीं है? 28 ही नहीं, कोई मौत नहीं है। पक्की बात है? पक्की बात है, छोड़ दे, कर रहा हूँ। छोड़ दे, नहीं नहीं मैं कर रहा हूँ। तेरे कंधों पे बोझ पड़ेगा, तू बर्गर ज्यादा खाएगा, मेरा खर्चा ज्यादा होगा। नहीं मैं बर्गर एक ही खाऊंगा। एक ही खाएगा? हाँ, एक ही खाऊंगा। वैसे मजे की बात ये है कि वो जो हमारा गंजी सोएगा उसको भी उठाते हैं जाके। ओके, वो घर में बेड पे पड़े हैं अभी, उसके घर बहुत पानी है। अच्छा, आपसे भी ज्यादा? मैं रात को गाड़ी वहीं पे खड़ी करके आऊंगी मर्सिडीज। तक ऑडियंस को बताएं टकोमा कौन सी गाड़ी है। टकोमा जो है टोयोटा का होता है, ये सेकंड जेन टकोमा है। इसमें 4000 cc इंजन आता है, 1GR, जो कि वीगो में भी आता है, प्राडो में भी आता है, FJ क्रूजर में भी आता है। और ये पाकिस्तान में रैली सर्किट में बड़ी मशहूर गाड़ी है, और मेरा ख्याल रैली के जितने टॉप कंटेस्टेंट हैं सबके पास टकोमा ही है। तो हमने बड़ी मुश्किल से रजा साहब को कन्विंस किया है, बिकॉज वो निशान से नहीं उतरते थे, तो ये टकोमा जो है। और आप जो दुबई गए थे तो आप इसका सेटअप वगैरह आपने देखा था, सेटअप भी पहुँच चुका है, उसको भी रेस्क्यू करने जाना है। बिकॉज रजा का मुझे फ़ोन आया था, रजा साहब माशाल्लाह हज पे मौजूद हैं, आज बिना जा रहे हैं माशाल्लाह, तो उन्होंने कहा यार मेरी चीज़ें संभाल लेना, ये ना हो कि बारिश में बह जाएँ। तो अभी यहाँ से निकल के सबसे पहले हमने वर्कशॉप जाना है। आओ, और लें दी हवा भी हमें रिफिल कर ली है, अब हम निकल रहे हैं। तो ये प्रो टिप भी मैं बताता जाऊँ, आपके दरवाजे ड्राइविंग साइड के यहाँ पर स्टिकर लगा होता है, वहाँ पर दरवाजे ड्राइव वो है नहीं ना, नहीं वो ड्राइविंग साइड पर ना। देखें, हाँ जी, शर्त पूरी हो गई? हो गई जी, हो गई। नहीं मैडम, थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया। और हम लोगों ने जो चैलेंज आ गया, ये सबसे नया नया मिला था बाइक्स, एक बंदे ने मुझे मरवाया है, उसने कहा था उसने 350 रुपए का बर्गर खाया, अभी तकरीबन 2600 रुपए का बिल आ गया। कोई नहीं बेटा, वो क्या कहते हैं, टाइम आएगा। सर व्लॉग में आ रहे हैं आप, मैं क्या पहले आपको बता दें, आज बारिश हो रही है। मुझे याद आया एक अमीर आदमी है जिसको कोई बारिश कोई पानी नहीं रोक सकती, उसके पास लेजेंडर है, हम गरीब बैठे हुए हैं कि हम घर से निकले कैसे। कभी बारिश में खाना खा ही लेते तो क्या ही बात थी भाई, दफ्तर आ जा रही है अभी अभी भाई, इमरान की वजह से 2600 रुपए ठुके हैं बर्गर के ऊपर। इमरान ने कहा जी मैंने पता नहीं शेखों ने कोई 3 ऐपे बनाई है, मिला के ना अगर आप स्मैश का बर्गर ऑर्डर करें तो 250 रुपए का आता है। मैंने लावे से शर्त लगा ली, जब जाके खाना ऑर्डर शॉर्डर करिए 2600 रुपए का बिल आ गया, उधर से शक्ल बना के दिखा दी, वो सिर्फ वीकेंड पे होती है और शेखों के लिए होती है। तो मैं तो तकरीबन हाफ किडनी उनको दे के आया हूँ अभी। मैं कह रहा यार गुड्डू तेन आइडिया नहीं, मैं हूं सोच ही पै गए, गड्डी मेरे को भी, लेकिन मैं सोच रहा ना ही कटा तेरे पेट्रोल से चला जाऊंगा। लावा 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 मेरे से शर्त जीता था, ये ने कहा जी मैं मोटरसाइकिल पे आके घर पहुंचूंगा, मैं अगर आज तू आ गया ना बेटा तो तुझे मैं खाना खिलाऊंगा। बैक ऑफ द माइंड मेरा शेख दोस्त, उसने मुझे बताया था 350 का स्मैश आ रहा है आजकल, मैं कि कितना वो चल जाएगा, छोटा जो शहर है मुंडा कितना खा लेगा। उत्थे गए ऑर्डर प्लेस किया सारा कुछ हुआ, एंड तो 2600 रुपए का फरा हचे आ गए। अब हम लोग जा रहे हैं, ये इमरान भी माइक मोबाइल पकड़े, सुनील साहब आराम से जरा गाड़ी चलानी है कि मैं गिर ना जाऊं। ओ वहाँ से तो गिरा ही हुआ हूँ, लावा इन वाटर।